ये देख रहे हैं, ये मारपीट कर रहे हैं, ये देखो कंपनी, ये कैसे मारपीट कर रहे हैं, ये छुप रहे इसके पीछे, ये देखो यहाँ पे सब गुंडागर्दी कर रहे हैं, एम्प्लॉय को निकालने बिना वजह। यहाँ पे लड़कियों के साथ भी हाथापाई की गई और हमारे साथ के कुछ लड़कों को अंदर लेके गए, मारपीट कर रहे हैं उनके साथ। ये देखो, ये देखो, ये फेंक रहा, ये फेंक रहा, देखो दोस्तों। अभी आपने वीडियो में देखा होगा, वीडियो में लोग वाक पत्थर फेंक रहे हैं, ये किस कंपनी के ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं, क्या मांजरा है पूरा, तो इसके बारे में हम आपको पूरा समझा देंगे। दोस्तों इसमें क्या है कि आप लोग सोच रहे होंगे धानी के साथ ऐसा क्या हो रहा है जिसके ऊपर बहुत सारी न्यूज बन रही है, तो इसके लिए आज हम पूरी वीडियो में आपको समझा देते हैं। दोस्तों ये जो पत्थर फेंके जा रहे हैं, ये धानी की कंपनी के ऊपर पत्थर फेंके जा रहे हैं, और ये क्यों फेंके जा रहे हैं इसका मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों ये कोई लोग बाग नहीं है, ये धानी के ही एम्प्लॉय है जो धानी की कंपनी के ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं। दोस्तों इसकी वजह है कि धानी ने बिना किसी कारण के अपने 200 एम्प्लॉयज को कंपनी से निकाल दिया है, जिसकी वजह से उनके ही एम्प्लॉयज उस धानी की कंपनी के ऊपर पथराव कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें बिना किसी कारण के कंपनी से निकाल दिया गया। तो दोस्तों ये तो लाजिम है, अगर किसी कारण बिना किसी कारण के कंपनी से अगर किसी को निकाला जाता है तो वो क्या करेगा, तो ये तो लाजिम है पत्थर फेंकेगा और क्या करेगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप नए हैं तो आप अगर धानी के बारे में नहीं जानते तो आपको बता दूं कि पहले धानी एक लोन देने का काम करती थी 0% इंटरेस्ट ब्याज पर, ठीक है दोस्तों। अब उसने क्या है कि कुछ दिनों पहले एक अपडेट आया था जिसके द्वारा इसने एक और अपडेट लॉन्च कर दिया है, जिसमें यह फ्लिपकार्ट की तरह शॉपिंग भी देती है, जैसे शॉप करते हैं फ्लिपकार्ट पर अपन शॉपिंग करते हैं, उसी प्रकार से धानी पर भी अब कस्टमर शॉपिंग कर सकेंगे और प्रोडक्ट बाई कर सकेंगे। तो ये एक इंटरफेस इसने अपडेट किया है, तो पहले ये लोन देने का काम करती थी 0% इंटरेस्ट ब्याज पर, और कुछ लोगों ने इससे लोन भी लिया लेकिन कुछ लोगों ने लोन नहीं लिया, क्योंकि इसमें कुछ इसका डाटा का इशू रहता है इसकी वजह से। तो दोस्तों अगर मैं आपको बता दूं, आप अगर लोन लेना चाहते हैं धानी ऐप में, तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अकाउंट बनाने के बाद इसमें आराम से लोन ले सकते हैं। इसके लिए आपको क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी और अपने मोबाइल नंबर की, और दोस्तों सभी में नेम सेम होना चाहिए, सरनेम ज़रूर चाहिए, नहीं तो आप लोन नहीं ले पाओगे। उसके बाद मैं बता दूं दोस्तों, ये जो इन्फॉर्मेशन चल रही है, न्यूज़ चल रही है धानी के ऊपर, तो ये सारी न्यूज़ है ये अभी नोएडा की तरफ चल रही है, ठीक है। पूरे इंडिया में अभी ये लागू नहीं हुआ कि धानी बिल्कुल दिवालिया घोषित हो गया है, धानी अभी भी चल रहा है, पेमेंट दे रहा है। आपने अगर हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी धानी की तो उसको देख सकते हैं, हमने कॉल पर भी धानी वालों से बात की थी, वहाँ से हमें पता चला कि ये पेमेंट दे रहा है, और मैंने लाइव प्रूफ पेमेंट लेकर दिखाया है, लिमिट लेकर दिखाई है, तो आप भी ले सकते हो। मैंने 25,000 की लिमिट ली थी, उसमें रोज़ाना मुझे 1,250 रुपये मिलते हैं, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, मैंने ऊपर आई बटन में उसकी लिंक दी हुई है, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप इसमें लोन लेना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर इसे डाउनलोड करके इसमें लोन ले सकते हो। अगर आपको इसे बनाना नहीं आता तो हमने इसकी भी वीडियो बनाई हुई है, आपको एंड स्क्रीन पर वीडियो दिख जाएगी लास्ट में, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसकी लिंक दे दूंगा। तो दोस्तों आप जो न्यूज़ देख रहे हैं धानी के ऊपर कि धानी फ्रॉड है, बिल्कुल दिवालिया घोषित हो गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई नई बात नहीं है, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन अभी अपडेट की जा रही है। तो वो जो मैंने आपको वीडियो शुरू में दिखाई थी वो नोएडा की तरफ थी, और वो पुरानी वीडियो थी दोस्तों, नई वीडियो नहीं है, पुरानी वीडियो थी। तो अभी फ़िलहाल धानी ने अपना एम्प्लॉयज को दोबारा से रख लिया है, और यह अपने एप्लीकेशन में अपडेट करते जा रहे हैं, अपने जो भी गलतियां की थी उनमें सुधार की जा रही है।
तो दोस्तों आगे से धानी में कोई भी परेशानी नहीं होने वाली। अगर आपके मन में कुछ और भी सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।